अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन विद अदनान मिलाज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब माशाल्लाह खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों धूप निकलना माशाल्लाह शुरू हो चुकी है, 9:15 टाइम हो चुका है। बहुत ज़्यादा फोग थी। रात हम मेहमान हमारे आए थे चाइना से, हमें उन्हें लेके आए माशाल्लाह। तो अब मैं जा रहा हूँ, नाश्ता वगैरह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैस की शॉर्टेज है, गैस हो गई है बंद, तो आपका भाई जा रहा है सिलेंडर भरवाने का। सवाल जो एक्स्ट्रा रखा हुआ था वो थोड़ा सामान लेना है मेहमानों के लिए, तो अब मैं निकलता हूँ। तो भाई के साथ सुबह सुबह ऐड हो गया, बाहर निकलने का घूमती मैंने के जाता हूँ। बाइक साहब पंचर हो गया है, ठीक है, वो भाई वहाँ पे वेट कर रहा है, जाता हूँ पंचर करवाता हूँ, तो फिर निकलते आ गए यार, फंस गया तो आपका भाई। भाई भालू भाई की शॉप पे आ चुके हैं, भालू भाई पंचर लगाने लगे हैं। भालू भाई इधर देखो, भालू भाई कहो चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। भालू भाई हंस रहे हैं, भालू भाई कहते मुझे नहीं बोलना आता। भाई भाई जरा अच्छे से आसन तरीके से आपने चेक करना है, ठीक है। दोस्तों ये देख सकते इधर गांव के कुछ यंग स्टार बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं सर्दी को। उधर माशाल्लाह वो जमात के साथ ही आए हुए हैं, वो लोगों के साथ तबलीग कर रहे हैं। और इधर रौनक मेला आप देख सकते हैं गांव में माशाल्लाह। फोग अभी भी बहुत ज़्यादा है, सूरज फिर छुप गया कहीं। और ये परवेज भाई जा रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर काम पे। दोस्तों ज़ैद भाई और हादी पहुंच गए थे कस्सोवाल, क्योंकि मैंने बाइक को पंचर लगवाना था, ये गाड़ी पे गए चले थे। इन्होंने सिलेंडर को ठीक करवा लिया और गैस भरवाने लगे यहाँ से, तो मैं भी इनके पीछे कस्सोवाल आ गया हूँ। ज़ैद भाई को काम था, उन्होंने चले जाना चीचा वदनी, तो माशाल्लाह सिलेंडर हमारा ओके हो चुका है, गैस भी डाली जा चुकी है। भाई अब चेक करने लगे हैं, तो इतने में भाई निकल जाएँगे और मैं दूसरा सामान कस्सोवाल से ले लेता हूँ। चलते हैं आगे बाज़ार में, अजीम चिकन शॉप पर आपका भाई आ चुका है माशाल्लाह। यहाँ से भाई को हमने ऑर्डर दे दिया है गोश्त का और कीमा वगैरह बनाना है, ठीक है। तो माशाल्लाह भाई ने फ्रूट की रेड़ी भी लगाई हुई है, दोनों काम साथ साथ करते हैं। भाई मेरे चाचू के बेटे हैं माशाल्लाह, इन्हीं के पास हम आते हैं, यहीं से हम काम करवाते हैं। तो अजीम भाई कर रहे हैं अपना काम माशाल्लाह, बहुत आसान तरीके से काम करते हैं माशाल्लाह, बहुत कस्टमर हैं इनके पास। और मैंने मेडिकल स्टोर पर जाना था, थोड़ी मेडिसिन लेनी थी, और मैंने कहा आपको माशाल्लाह कस्सोवाल का मीठा मीठा व्यू दिखा देते हैं। कस्सोवाल वालों लाइक कर दो भाई के चैनल को, सब्सक्राइब कर दो। सरफराज भाई का यहाँ पे हमें एक क्लिप बना रहे हैं, सरफराज भाई भी कस्सोवाल आए थे सामान लेने। तो उसके बाद दोस्तों आपको बाज़ार का माशाल्लाह खूबसूरत सा व्यू दिखा देते हैं। बाज़ार प्रॉपर तौर पर खुल चुका है, सब रेड़ियाँ सब होटल वगैरह शॉप्स वगैरह ओपन हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा व्यू। अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत डाले। और चलते हैं दोस्तों सब्ज़ी वाली शॉप पर, यहाँ पर भाई आपका आ चुका है सामान लेना था, जो घर वालों ने लिस्ट दी थी कि टमाटर अदरक लहसुन प्याज मिर्चें सब कुछ यहाँ से भाई के पास से ले रहे हैं। तो अब सामान घर पकड़ाने के बाद दोस्तों मैं तंदीम भाई आ गए थे कस्सोवाल सिटी कंप्यूटर एंड जैज़ कैश हसन अब्रार भाई के पास, ये मेरे क्लास फेलो हैं बचपन के। और मैंने और भाई तंजीम ने बनाना था लर्नर ड्राइविंग के लिए, तो हसन अब्रार भाई अपना काम करे माशाल्लाह। भाई के साथ किसान जरी मरकज़ है, भाई मेडिसिन का भी काम करते हैं, साथ स्प्रे वगैरह का, ठीक है। तो मेरा तो दोस्तों नहीं बना क्योंकि मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर था, भाई तंजीम का माशाल्लाह बन गया। तो अब हम चीचा उतरी जाएंगे, वहाँ से मैं अपना आईडी कार्ड नादरा में जमा करवाता हूँ। दोस्तों नादरा चीचा उतरी में पहुँच गया हूँ, ठीक है, इस टाइम ऑफिस में बैठे हुए हैं। भाई तंजीम का तो लर्नर बन गया था उधर से कस्सोवाल से, लेकिन मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर था भाई, मेरा लर्नर नहीं बना। तो हम फिर आ गए हैं कस्सोवाल से चीचा उतरी नादरा के ऑफिस में, तो काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। तो 4290 मेरा नंबर है, इस टाइम चल रहा था 4150, लेकिन अब वो अमला दोबारा आया है तो 4200 के पास पास सीन पहुंच गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है 1 घंटे तक बारी आ जाएगी, लेकिन जिसने भी बनाना है भाई टाइम से आया, हमारी तरह खज्जा ख़राब ना होना पड़ेगा। तो बाकी प्रोसीजर दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत रश है दोस्तों, बहुत रश है, आप देख सकते हैं कि 4195 नंबर चाह रहा है और भाई का नंबर है 4290। तंजीम भाई आईफोन पे लगे हुए हैं, मैंने कहा यार आपको एम ए खाम का फंसा दिया मैंने, कहते चलो कोई बात नहीं एक्सपीरियंस हो जाएगा। 4:40 दोस्तों हो चुके हैं, आपका भाई आ गया 2-3 घंटे की जलालत के बाद घर वापस नादरा पे, आईडी कार्ड बनवाने गए हुए थे। तो अभी ये फॉर्म मिला है इसे गांव से किसी बंदे से करवा के फिल नंबरदार टाइप या किसी हेडमास्टर से, तो दोबारा इसे सुबह इंशाल्लाह मैं जमा करवा दूंगा। बहुत थक गया, आप पीछे देख सकते हैं कि सूरज बिल्कुल ग्रोब होने वाला है, तो बहुत रश है वहाँ पे। तो अभी खाना खाते ऊपर से लाइट भी ऑफ हो गई है। तो आज का व्लॉग दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह,
तो मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। तो अपने भाई के चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी नई वीडियोज़ आपके तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।